वन में जून का अपडेट आ चुका है सिक्योरिटी पैच का, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं आगे, उसको कैसे अपडेट करेंगे अपने मोबाइल में उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ सिस्टम में जाना है, देन एडवांस में जाना है, देन सिस्टम अपडेट में जाना है। देखेंगे आप, सिस्टम अपडेट आ चुका है जो कि 72 MB का है, जो आप देख सकते हैं। बस नॉर्मली आपको यहाँ पर मैं देख चुका हूँ तो रिज्यूम का ऑप्शन दे रहा है, इसको नॉर्मली आपको यहाँ क्लिक करके इसको अपडेट कर लेना है। कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं जो उनकी सिक्योरिटी लेवल का अपडेट किया गया है, तो ये नॉर्मल से इसमें अपडेट आया है। अपडेट होने के बाद ये मोबाइल अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों अपडेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये अपडेट होता है और क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है और देन मेरा मोबाइल अब रिस्टार्ट करने के बाद अपडेट हो जाएगा। तो देन अपडेट होने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं मेरा मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है अपडेट होने के बाद। देन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मोबाइल अपडेट हो चुका है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद चलते हैं सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद चलते हैं एडवांस में, देन सिस्टम अपडेट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1 जून 2019 का मेरा सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट हो चुका है, अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट अपडेट मेरा हो चुका है और यहाँ पर दिखाएगा तो उसमें कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं, सिक्योरिटी अपडेट किया गया है 2019 जून का। अपडेट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।